बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हमारा डे 3 है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको एपी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ। तो जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो सीड एकेडमी की वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं और इस चैप्टर का डे 1 और डे 2 पहले देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x + 1 x² + x + 1 and 3x² - 3x + 3 are in AP। उसने ऑलरेडी यहाँ पर तीन, आपकी जो तीन टर्म्स दी हुई है एक्स की फॉर्म में, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में तरीके से दी हुई है और बोला हुआ है कि ये गिवन है कि ये एपी में है, तो इसलिए हमें इसे प्रूफ नहीं करना है और एक दिमाग में बात लेकर सिंपल सा चलना है कि ये एपी के फॉर्म में है। तो जब ऑलरेडी एक सिंपल मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी सीरीज एपी की फॉर्म में है या नहीं है, उसके लिए एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपकी टर्म्स का डिफरेंस सेम है, अगर आप थर्ड टर्म को सेकंड में से माइनस करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं और आपका डिफरेंस सेम आता है, तो इसका मतलब है कि वो टर्म्स की जो सीक्वेंस है वो एपी में आती है। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। अगर ये हमारी टर्म फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है x² + x + 1 - 2x + 1। यहाँ पर हमेशा आप जो पीछे टर्म आती है उसको पहले लिखते हैं, हम उसको ये मानते हैं कि वो बड़ा है, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये माइंड होता है कि आप पीछे वाले टर्म को आगे लिख के और आगे वाले टर्म को पीछे लिख के माइनस करते हैं। मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की जाती है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की जाती है। तो अगर सबका डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर डिफरेंस जो सेकेंड और थर्ड टर्म का होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² - 3x + 3 - सेकेंड टर्म आपकी क्या है, x² + x + 1 है, तो यहाँ पर हो जाता है x² + x + 1, ये आप क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है x² + x + 1 - 2x - 1 और यहाँ राइट साइड पे होता है x² - 3x + 3 - साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो जितनी भी टर्म्स है अंदर सारी चेंज हो जाएंगी, तो -x² - x - 1। तो यहाँ पर आपका, आप ऑलरेडी देख रहे हो बेटा कि -1 से +1 कैंसिल होता है, यहाँ पर आपका x² - x आ जाता है और यहाँ से मैं आपका, यहाँ पर आपका 2x हो जाता है ये, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2x², यहाँ से आपका ये हो जाता है -4x और ये हो जाता है आपका +2। तो यहाँ से हम सारी एक टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर या इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाता है 2x² - 4x + 2। मैंने राइट साइड को सेम रखा है और लेफ्ट साइड की सारी टर्म्स को मैंने क्या किया है, राइट साइड पे ले गए हैं। तो यहाँ पर -x² - +x = 0, तो ये आपका हो जाता है x² - +3x + 2 = 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, फैक्टराइजेशन यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वेयरिंग है और फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड लगाती हूँ, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग मेथड जो हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2x - x + 2 = 0, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x - 2 हो गया और -x - 2 हो गया = 0, तो ये हो जाता है x - 1 और x - 2 = 0। तो यहाँ पर दोनों को अगर आप 0 के बराबर रखते हैं तो x - 1 = 0 और x - 2 = 0, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आती है, एक एक्स आपका 1 और एक एक्स आपका 2 वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर आपको यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पर आपकी ये तीनों टर्म्स एपी में है। होपफुली बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। अगर सीबीएसई में पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है।
जिन बच्चों ने भी प्लीज मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आती रहती है। और अगर आपको नहीं पता चलेगा, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपका चैप्टर की कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेवन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का, जो फोर नंबर में पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन लेके पहचानना है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। एपी की जो मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई हैं, उनको आपको सबको याद करना है। यहाँ पर ऑलरेडी इसने सेम चीज बोला है बेटा कि जो कुछ टर्म्स है जो एपी की फॉर्म में है, ए सेवन बी ट्वेंटी थ्री एंड सी, ए सेवन बी एंड ए सेवन बी 23 एंड सी। तो यहाँ पर आपको एक टर्म दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये ए सेवन बी 23 एंड सी जो है एक नंबर की सीरीज है और ये भी एपी में है, आती है, मतलब ये एपी ही सीक्वेंस है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो पांचों टर्म्स है वो किस फॉर्म में है, एपी में है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो ए टर्म है बेटा वो हमारी फर्स्ट टर्म है, ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पर जो सेवन है वो हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म प्लस डी जो होता है वो हमारी सेकेंड टर्म होती है। तो ए प्लस डी क्या होगी, हमारी सेवन होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, ए प्लस टू डी जो है वो हमारा क्या होगा, बी होगा। ए प्लस थ्री डी जो है वो हमारा क्या होगा, 23 होगा। और ए प्लस फोर डी जो है वो मेरा क्या होगा, हमारा सी होगा। इतनी बात क्लियर है, ये मैंने आपको क्या किया, एक फॉर्म में लिखकर दे दिया कि अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको प्लस कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि जो एपी, ये जो टर्म्स है वो एपी में है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालती हूँ, यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स है वो बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगी ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू 23 माइनस 7। क्लियर है कि अगर मैं इस टर्म में से इसको माइनस करती हूँ तो यही चीज सेम इक्वल होगी, होगी या नहीं होगी, क्योंकि बोथ आर द सेम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ए प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, दैट इज 16। ए से ए कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर थ्री डी माइनस डी हो जाता है, तो 2d इज इक्वल टू 16 है। तो d की यहाँ से वैल्यू निकलती है 16 बाय 2, दैट इज कॉल्ड 8। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आती है d की, वो क्या आती है, d की वैल्यू आती है 8 आती है। तो अगर d की वैल्यू को मैं इस क्वेश्चन में पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, a plus d is equal to 7 है। तो यहाँ पर a plus 8 is equal to 7 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है, 7 माइनस 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस 1। मतलब ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका वो होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो आपका 8 है लेकिन a जो है वो माइनस 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब a आपको माइनस 1 पता चल गया, b आपका क्या है, यहाँ पर मेरे पास b ऑलरेडी है, तो b मेरे पास है आपका a की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस 2d जो है आपका 8 है, तो 860, तो ये हो जाता है आपका 15। b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू के लिए आप ये वाला यूज करेंगे बेटा। तो यहाँ पर a क्या है आपका, माइनस 1 है, और प्लस 4d क्या है, 8 है। तो यहाँ पर 8 4 32 माइनस 1 इज 31। तो ये आपकी क्या हो जाती है, b और c की वैल्यू हो जाती है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस हमारा शुरू होता है, ए हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है माइनस 1, फिर उसके बाद 7 हम लोगों को पता है, बी हमारी जो है वो है 15,
उसके बाद हम लोगों का जो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है वो है 23 और उसके बाद जो सी है वो है आपका 31। तो इस तरीके से ये आपकी सीक्वेंस चलती है, यहां से आपकी इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किसी भी तरीके का। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो कीप वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।